in a stream running 3 km per hour. A motor goes 12 km upstream and back to the starting point in 60 minutes. हमें बताना है स्पीड ऑफ मोटर बोट क्या होगा. तो अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम होगा. देखिए अपस्ट्रीम का सीन क्या है, अगर उसका खुद का स्पीड x है तो अपस्ट्रीम में x प्लस 3 हो जाएगा एंड डाउनस्ट्रीम, अच्छा अपस्ट्रीम में x प्लस 3 नहीं, x माइनस 3 हो जाएगा एंड डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 3. सो ये क्या किया है, 12 किलोमीटर गया है तो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गया तो x माइनस 3, फिर डाउनस्ट्रीम में आ गया या डाउनस्ट्रीम में गया अपस्ट्रीम में आ गया फर्क नहीं पड़ता है, तो x प्लस 3. इसका जो वैल्यू है 60 मिनट्स, आवर में हमें चाहिए तो 1 आ गया. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर तो आ जाएगा 24x, नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1, 3 नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना. तो अपने पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9 इक्वल टू 0. एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाइथागोरस नहीं, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाएंगे तो 24 प्लस माइनस रूट ओवर 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है 576 और 9 इंटू 4 36, तो 36 आ गया डिवाइडेड बाई 2. सो हमें जो मिल रहा है 24 प्लस माइनस 76 तो आ गया 612 डिवाइडेड बाई 2. 612 मीन 17 से 17 51 36, 17 इंटू 36 है, 612 का मतलब हो गया 36 इंटू 17. तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 6√17. तो ये आ गया है 24 प्लस माइनस 6√17 डिवाइडेड बाई 2. तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 प्लस माइनस 3√17. अभी बात यह है कि स्पीड तो पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस 3√17 करने से निगेटिव आ जाएगा, हिंस x का जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वह 12 प्लस 3√17. तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, डी ना, डी नहीं ऑप्शन नंबर बी, 3 इंटू 4 प्लस रूट 17. सो उम्मीद है यह सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ. और हाँ, अगर आपको एक ही जगह पे सारे बेस्ट पीवाईक्यू का सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.